नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी और लगातार जो छतरपुर के बच्चे टॉपर्स बच्चे हैं उनका हम आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान की बेटी आस्था पटेल, जिन्होंने सातवां स्थान हासिल किया है प्रदेश की मेरिट में कला समूह से थी। आस्था, क्या कहेंगी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी, कैसे पढ़ाई की? श्रेय तो टीचर्स को और मेरी बड़ी बहन को जाता है, क्योंकि हमारे हिस्ट्री टीचर अग्रवाल सर और मैम जसवीर मैम, मैं क्लास टीचर और ऑल्सो ज्योग्राफी टीचर भी थी, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी बड़ी बहन ने उन्हें हमें पर डे पढ़ाया है और उनको मुझ पर हमेशा से विश्वास था। और पापा ने भी, मतलब जब हम लोग के एग्ज़ाम थे तो पापा थोड़ी स्ट्रिक्टली बोल रहे थे पढ़ो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन अच्छा था। और थोड़ी नर्वसनेस भी थी रिजल्ट के आने के में, पर अच्छा गया। जब आपको पता चला कि आपको प्रदेश में सातवां स्थान आया है, कैसा लगा आपको? सर, मुझे रोना आ गया था जैसे मैंने सुना, सर ने बोला कि एमपी में सेवेंथ पोजीशन आई है, तो मुझे रोना आ गया कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पापा ने फिर गले से लगाया, बोले काम ना, थोड़ी रिलैक्स करो। सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा। पिताजी क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं सर पापा, गांव में पनौठा में खेती है हमारी, 4-5 एकड़ में, तो उसी में खेती किसानी करते हैं। पापा आपके खेती करते हैं, आने जाने में कैसा रहता था, पढ़ाई करती थी, कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा? सर आने जाने का यह था, ये था कि अप डाउन करना पड़ता था यहाँ से छतरपुर से पनौठा, पनौठा से छतरपुर, और रेगुलर स्कूल था तो वो आना पड़ता था, तो थोड़ी सर दिक्कत गई है। टैक्सी से आती थी तो रात भी हो जाती थी कभी कभी, तो फिर पापा लोग लेने आते थे, तो थोड़ी दिक्कत तो सर गई है, आने जाने की तो रहता ही है सर। आगे का लक्ष्य क्या है? IAS बनना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी है, और ऐसी सबका आशीर्वाद रहा तो वो भी सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कितना समय निकालती थी, क्या है? 11-12 घंटे की समथिंग में पढ़ाई की है, उसी में स्कूल भी था, और ऐसी 5 या 6 आवर्स में सोना। हाँ सर, तो हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं जो खेती किसानी करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नवलखजूर पटेल। जी सर। क्या काम करते हैं? सर खेती बाड़ी करता हूँ। कैसे आज लग रहा है कि आपकी बेटी ने प्रदेश की मेरिट में सातवां स्थान आया? नहीं सर, मुझे भरोसा था कि मेरी बेटियां करेंगी। हाँ बिल्कुल, पूरा 100% भरोसा था कि थोड़ा सा अभी और लग रहा था और जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छे परफॉर्मेंस में जाएंगी बच्चे। कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा, चूँकि किसानी करते हैं, कितने घर में सदस्य हैं, क्या है? जी सर, हम लोग 5 सदस्य के परिवार में रहते हैं, और मेरे माता पिता मिला के 7 लोग हैं, और अच्छा रहता है। और संघर्ष का तो ये है कि जीवन ही संघर्ष से बना हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं है, हम लोग हैप्पीनेस रहते हैं, बढ़िया करते हैं। हाँ, खेती करते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। कितनी खुशी हुई आज? बस खुशी का तो अब शुरुआत है, अब अच्छा तो लगता ही है, तो खुशी का तो पर्व जैसा ही है, पर सर और उनकी मेहनत और थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट कर देते हैं और बच्चों की मेहनत है, तो बस यही का नतीजा है, बाकी अच्छा लग रहा है आगे। तो बिल्कुल हमारे साथ थी आस्था पटेल, और जिन्होंने प्रदेश की मेरिट में सातवां स्थान पाया है, ये किसान की बेटी हैं और लगातार संघर्ष से अपना जीवन निर्वहन भी कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि आगे वो IAS बनेंगी। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम छतरपुर।